मैं अगला कंसेप्ट एक प्रॉब्लम देता हूं, उस प्रॉब्लम से समझाता हूं। नाउ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू फ्रिक्शन। देखिए, हम क्या सोचते हैं कि ये फ्रिक्शन एक अनडिजायर्ड, एक अनवांटेड और बड़ी खतरनाक और बड़ी खराब चीज है। ऐसा दिमाग में आता है कि फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी वेस्ट हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो रही है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इनफैक्ट आई विल से फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी ईवल, इट्स अ नेसेसरी डेविल। यदि फ्रिक्शन नहीं हो तो हम खड़े नहीं हो सकते, हम चल नहीं सकते। एक कार एक्सीलरेट नहीं हो सकती और एक एक्सीलरेट होती हुई कार या एक मूव होती हुई कार, उसको आप कभी रोक नहीं सकते, कार को कभी टर्न नहीं कर सकते। हम कहते हैं रोड पर खड़ी हुई एक कार या आपकी बाइक, वो एक्सीलरेट होती है फ्रिक्शन की वजह से। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होता है उतना ज्यादा एक्सीलरेशन होता है, उतना ज्यादा उसको, उतनी अधिक वेलोसिटी तक उसको पहुंचाया जा सकता है। बिना फ्रिक्शन के एक कार को मूव करवाना या एक बाइक को ड्राइव करना, एक बाइक को रन करना संभव ही नहीं है। और वंस अगेन, एक दौड़ती हुई कार, एक बहुत हाई वेलोसिटी से चलती हुई कार, एक बाइक, उसको जब आप रोक रहे हो, जब ब्रेक लगा रहे हो, तो जो ब्रेकिंग एक्शन है, वंस अगेन द प्रिंसिपल इज फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन आप बाइक को रोक नहीं सकते, एक हाई स्पीड से, हाई वेलोसिटी से चलती हुई कार को रोक नहीं सकते। फ्रिक्शन ही उस कार को रोक रहा है। एक चलती हुई कार को जब आप टर्न कर रहे हो तो टर्न करने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए। यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो कार कभी टर्न नहीं होगी, वो सीधी की सीधी ही चलती चली जाएगी। हम इस जगह पर खड़े हैं, हल्का सा भी इंक्लाइन होगा, भाई हर जगह पर जो हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाया जाता है जनरली एक छोटा सा स्लोप दिया जाता है, क्यों? पानी के बहने के लिए। यदि मैं इस फ्लोर पर पानी डाल दूं और फ्लोर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगा तो पानी शायद बिल्कुल जहां है वहीं का वहीं रहेगा, वो पानी ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। मगर हल्का सा बिल्कुल स्लोप देते हैं तो यदि इसमें पानी डाला गया तो हल्का सा बहते हुए एक किनारे पर जाएगा और वहां पर आप उसमें आउटलेट उस पानी के लिए सिंक दे सकते हैं और पानी बाहर जाएगा। यदि हल्के से उस स्लोप पर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो होगा क्या? बिना फ्रिक्शन के तो मैं भी उसके साथ में पानी की तरह बहने लगूंगा, मैं खड़ा ही नहीं हो सकता, बिना फ्रिक्शन के मैं चल नहीं सकता। इसी बात को चलिए हम एक प्रॉब्लम से समझते हैं, समझाते हैं। मैं, दिस इज इंक्लाइन प्लेन हैविंग एन एंगल ऑफ थीटा, यह इंक्लाइन प्लेन है, थीटा एंगल है। ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन वी हैव गॉट अ मास m प्लेस्ड ऑन इट and there is a pulley, it's tied with a string and there is another block having mass m naught. Now my question is, for what value or values of m naught would block m block on the incline remain stationary? Case one, if it's smooth, and case two, if
इट्स रफ विथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। यह मेरा सवाल है। देखिए प्रॉब्लम को पहले सिचुएशन को ध्यान से समझिए। देयर इज अ इंक्लाइन प्लेन एंड दिस इंक्लाइन प्लेन इज हैविंग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। वी हैव गॉट अ पुली फिक्स्ड विद द इंक्लाइन प्लेन। वी हैव गॉट अ ब्लॉक ऑफ मास एम kept on the inclined plane. It's tied with a string. This string goes along the inclined plane, passes over the pulley, and then another end of the string is tied with a block M naught. Now, the question is, for what value or values of M naught would block on the incline remains stationary? इंक्लाइन प्लेन पर यह ब्लॉक है वह स्टेशनरी रहे इसके लिए इस एम नॉट की क्या वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए, यह बात पूछी गई है। दो केस है। केस वन, इफ इट्स स्मूथ, यदि यह स्मूथ है तो क्या होगा, सॉल्व करने के बाद हमें सोचना भी है स्मूथ होने पर क्या होगा। एंड इफ इट इज रफ विथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, यदि स्मूथ है तो एम नॉट की क्या वैल्यू हो, यदि रफ हो, रफ मतलब इट्स नॉट स्मूथ, इट्स अ फ्रिक्शनफुल, यदि वह फ्रिक्शनफुल है ऐसे केस में क्या वैल्यूज एम नॉट के लिए ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर स्टेशनरी रहेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट थिंकिंग ओवर इट। केस वन मैं सॉल्व करना चालू करता हूं। केस वन, इफ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, if smooth inclined plane. Now, I'll draw a free body diagram. मैं पहले इस ब्लॉक M नॉट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा और मैं कहूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स M नॉट इंटू जी एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन T इन अपवर्ड डायरेक्शन। मैं इस इंक्लाइन प्लेन पर रखे हुए इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा टेंशन टी, सिंस द स्ट्रिंग इज ऑलवेज अज्यूम टू बी लाइट इनएक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल। जो धागा है, जो स्ट्रिंग है, वी ऑलवेज अज्यूम दैट इट्स लाइट, इट्स इनएक्सटेंसिबल एंड इट्स फ्लेक्सिबल। The tension along that thread would remain constant. The tension throughout the string, tension T here in upward direction, here in this direction. Normal reaction offered by the inclined plane would act in this direction. And since the impending motion is in this direction, impending motion इस direction में होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। इंपेंडिंग मोशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, यदि स्मूथ है तो इंपेंडिंग मोशन का कोई मतलब ही नहीं है बिकॉज देयर वुड नॉट बी एनी फ्रिक्शनल फोर्स, हमने स्मूथ मान रखा। इसके अलावा वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ग्रेविटेशनल फोर्स mg वुड बी देयर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। Now, I'll say we need to resolve this gravitational force mg. हम इधर तो हमें कोई भी resolve करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इसके लिए vertical direction में ही equation बनाएंगे। इस जगह पर हम जो coordinate axis लेंगे, that coordinate axis would be along the inclined plane and perpendicular to inclined plane. हम यह कोऑर्डिनेट एक्सेस लेंगे एंड सिंस द कोऑर्डिनेट एक्सेस और इक्वेशन भी हम अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन बनाएंगे। दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव ऑल द फोर्सेस अलोंग दिस कोऑर्डिनेट एक्सेस। टेंशन तो अलोंग द इंक्लाइन है, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है, एमजी यह इसे हमें रिजॉल्व करना होगा।
mg का एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन होएगा और एक कंपोनेंट जो अलोंग द इंक्लाइन होएगा। आप बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकती हो, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री या बेसिक ज्योमेट्री लगा लीजिए, आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि यह एंगल थीटा है और यह कंपोनेंट होएगा mg cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट वुड बी mg sin थीटा। Hence, one can always write normal reaction is equal to mg cos theta. हम कहेंगे if block remain stationary on the incline, stationary on the incline, then acceleration is zero. In that case, tension T would be equal to mg sin theta, and tension T is also equal to m0g. Hence, m0g must be equal to mg sin theta or m0 must be equal to m sin theta. For this unique value of m0, this block would remain stationary. For this unique value of m naught, block remain stationary on the incline. मेरी इस स्टेटमेंट में मेरी इस बात का मतलब समझो, ये जो मैंने लिखा है m नॉट की इस यूनिक वैल्यू के लिए यह ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा। आई जस्ट मीन टू से यदि m नॉट की वैल्यू m साइन थीटा से हल्की सी भी अधिक हो गई, m नॉट की वैल्यू m साइन थीटा से हल्की सी भी अधिक हो गई, तो यह ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सीलरेट करने लगेगा, यह m नॉट नीचे की तरफ एक्सीलरेट करने लगेगा और यह ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चढ़ने लगेगा। यदि यह m नॉट m साइन थीटा से हल्का सा भी अधिक हुआ, अ वेरी डिफरेंशियल अमाउंट में भी यदि एक्सीड करा तो नीचे आने लगेगा, और यदि m नॉट की वैल्यू इस m साइन थीटा से हल्की सी भी कम हो गई तो क्या होगा? यदि इस m0 की वैल्यू m sin थीटा से हल्की सी भी कम हुई तो यह ऊपर चढ़ने लगेगा और यह ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन के नीचे गिरने लगेगा। अल्टीमेटली हम कहेंगे कि यह सिस्टम रेयरली स्टेशनरी रह पाएगा। यह सिस्टम इट वुड बी अ रेयर फिनोमेना दैट सच सिस्टम वुड रिमेन स्टेशनरी। इट्स अ रेयर सिचुएशन दैट दिस सिस्टम रिमेन अनएक्सीलरेटेड। क्योंकि m0 की एग्जैक्टली यह वैल्यू हो पाना यह बड़ा रेयर नामुमकिन सी सिचुएशन होगी। m sin थीटा और sin थीटा की डेसिमल्स में एक लंबी सी वैल्यू, एग्जैक्टली यह वैल्यू कभी रह नहीं पाएगी
और जब एग्जैक्टली यह वैल्यू कभी रह नहीं पाएगी तो सिस्टम कभी भी स्टेशनरी रह नहीं पाएगा, यह कभी अनएक्सीलरेटेड यह रह नहीं पाएगा। यदि एम नॉट की वैल्यू इससे अधिक हुई तब भी इसको ऊपर जाना है, और यदि एम नॉट की वैल्यू इससे कम हुई तब भी इसको नीचे जाना है। तो ये ब्लॉक या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, ये कभी स्टेशनरी नहीं रहेगा। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यह इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ इस तरह का सिस्टम, इट्स अ रेयर केस कि वह स्टेशनरी रहे। अब हम केस टू देखते हैं। केस टू में हमने क्या कहा कि यदि यह इंक्लाइन प्लेन स्मूथ होने के बजाय रफ हो, मतलब मोर प्रैक्टिकल सिचुएशन, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन प्रैक्टिकली वैसे होता भी नहीं है, मिलता भी नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन आइडियली स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। जितने भी इंक्लाइन प्लेन होते हैं वह केस टू वाले होते हैं, दे आर जनरली रफ इंक्लाइन प्लेन विथ अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। अब इस रफ इंक्लाइन प्लेन पर यह ब्लॉक रखा हुआ हो तब एम नॉट की क्या वैल्यू होगी जिससे कि यह सिस्टम स्टेशनरी रहे, हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस सिचुएशन को साफ कर दूंगा, प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग केस टू इफ इट्स रफ इंक्लाइन प्लेन। केस टू इफ रफ इंक्लाइन प्लेन, अब क्या होगा जरा देखिए। इनफैक्ट जैसे हमने मैं कंक्लूजन पहले ही बता देता हूं, हमने स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर एम नॉट की एक यूनिक वैल्यू के लिए इस सिस्टम को स्टेशनरी देखा और हमने कहा कि वह यूनिक वैल्यू कभी हो नहीं सकती, इसलिए सिस्टम कभी स्टेशनरी हो नहीं सकता। मगर अब इस रफ इंक्लाइन प्लेन पर हम क्या देखेंगे कि एक यूनिक वैल्यू नहीं होगी, वेल हैव अ बैंड ऑफ अ रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एम नॉट फॉर विच दिस सिस्टम वुड रिमेन स्टेशनरी। इस एम नॉट की एक वैल्यू की एक रेंज बन जाएगी, उस रेंज में यह सिस्टम स्टेशनरी रहेगा और वह रेंज में वैल्यू हो सकती है, इसलिए यह सिस्टम स्टेशनरी बन जाएगा। अब देखिए वो रेंज कैसे बनेगा, उस रेंज के बनने के पीछे लॉजिक जो होगा कि या तो यह सिस्टम नीचे की तरफ, यह एम नॉट नीचे की तरफ एक्सीलरेट होगा, और एम नॉट यदि नीचे की तरफ जाता है तो ब्लॉक एम इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चढ़ेगा, एक तो यह सिचुएशन बनेगी। दूसरी सिचुएशन, यह एम नॉट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और उस सिचुएशन में यह ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के नीचे की तरफ जाएगा। तो मैं कहता हूं फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम नॉट, जरा सोचिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम नॉट, एम नॉट की वैल्यू को हम बढ़ाते जाएंगे, जब हम एम नॉट की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे और उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएंगे, और एम नॉट को जब हम बढ़ा रहे हैं इसको भारी कर रहे हैं, तब यह नीचे की तरफ आएगा, और यदि नीचे की तरफ आएगा तो यह ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। इन दिस सिचुएशन फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम नॉट, इंपेंडिंग मोशन ऑफ ब्लॉक इज अप द इंक्लाइन प्लेन, अप द इंक्लाइन प्लेन। इन दिस सिचुएशन इस ब्लॉक की इंपेंडिंग मोशन इंक्लाइन प्लेन के ऊपर होगी, और यदि इस ब्लॉक की इंपेंडिंग मोशन अप द इंक्लाइन प्लेन होगी, हेंस फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मींस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इस केस में मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं। इसके फ्री बॉडी डायग्राम में मैं यह टेंशन T1 लूंगा,
और यह नॉर्मल रिएक्शन एन, और इधर मैं लूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, और इसे रिजॉल्व करके मैं इधर लिख दूंगा एम जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा, और इम्पेंडिंग मोशन अप द इंक्लाइन प्लेन है इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर मैक्स इस डायरेक्शन में। और खास बात, यह जो ब्लॉक है इसकी एम नॉट जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यह टेंशन टी वन। नाउ व्हाट आई विल से इज नॉर्मल रिएक्शन एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, टेंशन टी वन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ आर मैक्स। एफ आर मैक्स क्या होगा? एफ आर मैक्स इज म्यू एन, दैट इज म्यू एम जी कॉस थीटा। सो दिस टेंशन टी वन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, एंड दिस टेंशन टी वन इज ऑल्सो इक्वल टू एम नॉट जी। सो दिस इज इक्वल टू एम नॉट जी, जी थ्रू आउट कैंसल्ड, एंड दिस वुड गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम नॉट, एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम नॉट इज एम साइन थीटा प्लस म्यू एम कॉस थीटा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम नॉट, दिस इज मैक्सिमम। इससे अधिक यदि एम नॉट की वैल्यू हुई तो यह ब्लॉक नीचे एक्सीलरेट करेगा और यह ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चढ़ने लगेगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। एम नॉट की वैल्यू इससे कम होना चाहिए तभी यह ब्लॉक इस पर स्टेशनरी रहेगा। अब कम होने में क्या कितना भी कम हो सकता है? ऐसा नहीं। यदि ब्लॉक एम नॉट का मास एक सर्टन मिनिमम से कम हो गया, ऐसी कंडीशन में यह एम नॉट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करने लगेगा और यह ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन के नीचे की तरफ एक्सीलरेट करने लगेगा। इन दैट केस इंपेंडिंग मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने लगेगी, इन दैट केस फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगने लगेगा। मैं उस सिचुएशन को भी इसी समय एनालाइज करता हूं। मैं इधर लिखता हूं फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एम नॉट, जब एम नॉट की मिनिमम वैल्यू होगी इंपेंडिंग मोशन ऑफ ब्लॉक, इस एम नॉट की मिनिमम वैल्यू हुई, एम नॉट मास कम हो रहा है, कम होने की वजह से इसका डाउनवर्ड एक्सीलरेशन और इसका अपवर्ड एक्सीलरेशन। मैं कहूंगा इंपेंडिंग मोशन ऑफ ब्लॉक, इंपेंडिंग मोशन ऑफ ब्लॉक इज डाउन द इंक्लाइन प्लेन। ब्लॉक का जो इंपेंडिंग मोशन है वह डाउन द इंक्लाइन प्लेन होएगा और इस वजह से फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगेगा। अब इस सिचुएशन में फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगी जरा ध्यान से देखें। अब यह टेंशन टी टू होगा, नॉर्मल रिएक्शन तो अभी भी रहेगी कुछ ना कुछ, और ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी
इस ग्रेविटेशनल फोर्स को रिजॉल्व करके यह एम जी कॉस थीटा और यह एम जी साइन थीटा, और सिंस इंपेंडिंग मोशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हेंस एफ आर मैक्स वुड एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। और इस ब्लॉक के लिए हम वंस अगेन यही कहेंगे एम नॉट जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज टेंशन टी टू एंड दिस टेंशन टी टू इज इक्वल टू एम नॉट जी लिख देंगे। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये अभी भी रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, इसे आप अभी भी लिखोगे। और एफ आर मैक्स जो है वह म्यू एन विच वुड बी म्यू एम जी कॉस थीटा, ये अभी भी लिखा जाएगा। और हम कहेंगे दिस टेंशन टी टू, दिस टेंशन टी टू विच इज इक्वल टू एम नॉट जी वुड बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर मैक्स, और एम नॉट जी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, और दिस एम नॉट इज इक्वल टू एम साइन थीटा माइनस म्यू एम कॉस थीटा, एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एम नॉट, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। यदि एम नॉट की वैल्यू इस मिनिमम से कम हो गई, इन दैट केस यह मास एम नॉट कम हो गया, इन दैट केस यह मास ऊपर की तरफ जाने लगेगा और यह ब्लॉक नीचे की तरफ आने लगेगा। इन शॉर्ट यदि हम देखें दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, मींस मास एम की जो वैल्यू रेंज होना चाहिए, मैं इधर लिख देता हूं, दिस एम नॉट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द मिनिमम वैल्यू विच इज एम साइन थीटा माइनस म्यू एम कॉस थीटा, एम इंटू साइन थीटा, मुझे स्पेस इधर कम दिख रहा है, लेट मी राइट इट हियर, थोड़ा बड़े में लिख देता हूं, विल से दिस वैल्यू ऑफ एम नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस मिनिमम वैल्यू विच इज एम इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस मैक्सिमम वैल्यू विच इज एम इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। हम कहते हैं फॉर दिस रेंज ऑफ मास एम नॉट, for this range of values of m naught, this system remain stationary. अब m नॉट की एक यूनिक वैल्यू नहीं है, एक यूनिक वैल्यू होने पर सिस्टम स्टेशनरी रह नहीं पाएगा। यूनिक वैल्यू के बजाय हमने देखा कि एक मिनिमम वैल्यू से एक मैक्सिमम वैल्यू के रेंज में कुछ भी m नॉट की वैल्यू होगी तो यह सिस्टम स्टेशनरी रहेगा। मतलब अब इस सिस्टम के स्टेशनरी होने की प्रोबेबिलिटी, अब इस सिस्टम के स्टेशनरी रहने के चांस कहीं अधिक हो चुके हैं।
हम मास m नॉट की इस रेंज में कोई सी वैल्यू चूज कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं और वो सिस्टम स्टेशनरी दिखेगा। अब एक बात और देखें, क्या इस रेंज से हम स्मूथ वाले सिचुएशन को सोच सकते हैं? बिल्कुल हाँ, जरा देख लीजिए। यदि हम म्यू की वैल्यू जीरो ले लें, इफ इट इज स्मूथ तो म्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इफ स्मूथ तो म्यू की वैल्यू जीरो हो गई, और इन दैट केस जरा देख लीजिए, यदि म्यू की वैल्यू जीरो हो गई तो यह टर्म और यह टर्म जीरो, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वो दोनों ही हो जाती है एम साइन थीटा, जो कि हमने केस वन में ऑब्टेन करी थी। इसका मतलब है कि यदि स्मूथ सरफेस हो तो किसी भी जगह पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए यूनिक वैल्यूज बनती हैं, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक तरीके से इम्पॉसिबल सिचुएशन, इम्पॉसिबल कंडीशन बन जाती है। मगर स्मूथ सरफेस नहीं हो, रफ सरफेस हो, फ्रिक्शनफुल सरफेस हो, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए एक यूनिक वैल्यू होने के बजाय एक बैंड ऑफ वैल्यूज, एक रेंज ऑफ वैल्यूज बन जाती है, और उस रेंज में वैल्यूज का सेट करना पॉसिबल हो पाता है, और इस वजह से सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, स्टेशनरी रह सकते हैं। इस तरह से फ्रिक्शन के द्वारा यह सिस्टम का स्टेशनरी होना संभव है। इस प्रॉब्लम को देखो, इसको सॉल्व करने के तरीके को देखो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के तरीके को देखो, इक्वेशंस बनाने के तरीके को देखो, और फाइनली आंसर जो आया उसे कैसे लिखा गया यह देखो, और उस कंक्लूजन को भी समझो। प्लीज नोट इट डाउन। मैं मेरे अगले लेक्चर में फ्रिक्शन से रिलेटेड आगे जितने भी कंसेप्ट है उनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, मैं प्रॉब्लम्स देता जाता हूं, उन प्रॉब्लम्स को समझाता हूं, उनको उनके सॉल्व करने के तरीके को सिखाता हूं, उसके सॉल्व करने के बाद उसके कंक्लूजन से मैं फ्रिक्शन की थ्योरी को भी फिनिश करता हूं। आज के दिन मैं इतना ही कराता हूं, मेरे अगले लेक्चर में हम दो चार प्रॉब्लम्स फ्रिक्शन पर ही देखेंगे। गुड बाय, गुड डे।